सोनी टीवी के फेमस शो इंडियन आइडल के सीजन 12 शो में एलिमिनेटेड होने के बाद सवाई भाट अपने गृह जिले नागौर पहुंच गए। सवाई भाट अपने ननियाल राजस्थानी नागौर जिले के डीडवाना में गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इंडियन आइडल के सफर में सवाई भाट ने अपनी कई परफॉर्मेंस के जरिए राजस्थान की मिट्टी की महक पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की। बता दें कि सवाई भाट मूल रूप से राजस्थान के नागौर जिले की मकराना गांव के गच्चीपुरा के रहने वाले हैं। इनका बचपन अपने ननियाल डीडवाना में बीता। इंडियन आइडल से लौटने के बाद डीडवाना में उन्होंने अपने बचपन के साथियों और परिवारजनों से भेंट की। गौर मतलब है कि टीवी दुनिया का सबसे मशहूर रियलिटी सिंगिंग शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर कल्याण जी और आनंद जी एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। एपिसोड खत्म होने के बाद एलिमिनेशन होना था, जिसका इंतजार दर्शकों को लंबे वक्त से था। भी था पर मैंने अपने म्यूजिक को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक था और मैं गाने पे मैंने बहुत मेहनत करी, अपने आप को बहुत गाने को वक्त दिया, रियाज किया मैंने, और क्या पता उस टाइम से मुझे भगवान की मर्जी थी तो मैं वहां तक पहुंच पाया। आपकी आवाज बड़ी सुरीली मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के समय में। थैंक यू सर। थैंक यू। इसके पीछे क्या विशेष राज है? ये सब लोगों का प्यार भी होता है, और फिर मैं रियाज जो मेरा है वो मैं गाने को रियाज भी देता हूँ, और रियाज करना मुझे अच्छा लगता है सारा दिन, और बड़े अच्छे आर्टिस्टों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, लोग इतने कलाकार मुझे प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। संगत सबसे बड़ी होती है, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप आदमी अच्छे हो, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो लोग अभी जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारी चीज़। मैं आ रहा जरूर हूँ, लेकिन मेरी संगीत साधना जारी रहेगी। इधर अपने ननियाल डीडवाना में सवाई भाट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं पूरे राजस्थान वासियों और संगीत प्रेमियों की दुआओं और परिवारजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ाऊँ। अब संगीत साधना से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, और मैं अपने सपनों को पूरा करके ही रहूंगा।